Hi everyone, welcome back to my channel and as the title suggests, today's video is gonna be my 5 top high-end products जो आपको लेने चाहिए या नहीं इसका डिटेल रिव्यू आपको मिलने वाला है. सो इफ यू आर विजिटिंग माई चैनल फर्स्ट टाइम, सो हाई माई नेम इज स्नेहा एंड थैंक्स टू विजिटिंग माई चैनल. इफ यू आर नॉट सब्सक्राइब टू माई चैनल इट प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन टू गेट द फर्स्ट नोटिफिकेशन ऑफ माई वीडियो एंड या विदाउट फर्दर डू लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड. सो फर्स्ट आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू दिस मैक स्ट्रोप क्रीम जो मैं 2 सालों से यूज कर रही हूँ. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. ये मैंने ट्रैवल साइज में खरीदी थी जिसकी प्राइस थी 1100 रुपीज एंड मैंने इसमें शेड परचेज किया है पिंक लाइट, विच इज आई थिंक बहुत ही अच्छा लगता है इफ योर स्किन इज मीडियम एंड थोड़ी सी डार्कर डस्की हो तो. सो दिस नॉट ओनली प्रोवाइड्स यू अ ग्लो बट उसके साथ साथ आपकी स्किन को अच्छे तरीके से हाइड्रेट भी कर देती है, विच आई लाइक द मोस्ट. सो इट ब्लेंड्स लाइक अ ड्रीम, बहुत अच्छे तरीके से स्प्रेड हो जाती है और बिल्कुल ऐसा नहीं लगता है कि आपको कुछ अलग लगाने की जरूरत है. आपकी स्किन जो है वो अंदर से ग्लो करती है, उस टाइप से इसका रिजल्ट है. सो मुझे तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है. नेक्स्ट मेरा रिकमेंडेशन है ये मैक का फाउंडेशन. दिस इज अ बेस एंड दिस इज एब्सोल्युटली लव. इट प्रोवाइड्स वेरी नाइस कवरेज, बहुत ही अच्छी तरीके से ब्लेंड भी हो जाता है अपने स्किन में. दिस फाउंडेशन कम्स विद SPF 15 विच इज आई थिंक बहुत ही ज्यादा अच्छा है. उसके साथ साथ ये आता है 15 ml ऑफ द प्रोडक्ट इन दिस बॉटल विच कॉस्टेड मी अराउंड 1900. इसमें मैंने शेड परचेज की है NC25 विच इज वेरी नाइसली सुटेबल फॉर माई स्किन. ऑल्सो इट गिवस दैट ब्राइटनेस इफेक्ट ऑन माई स्किन. बेसिकली दिस गिवस अ वेरी नाइस कवरेज और बहुत अच्छी तरीके से ब्लेंड भी हो जाता है स्किन पे. एंड सबसे ब्यूटीफुल थिंग, इसको लगाने के बाद आपको पाउडर से सेट करो या ना करो कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है. यूजुअली मैं इसको सेट नहीं करती हूँ बट स्टिल इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस. बहुत अच्छी तरीके से बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्ट करता है. यस, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, आप भी जरूर ट्राई करके देखना. नेक्स्ट माई रिकमेंडेशन इज माई न्यूली एडेड दिस शैरेट टिल्वरी का दिस फ्लॉलेस फिल्टर. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. इसमें भी मैंने मिनी साइज ऑफ द प्रोडक्ट परचेज किया है. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. और आपने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर को इसके बारे में बात करते हुए जरूर सुना होगा. सो इफ यू आर समवन जिसको ड्यूई मेकअप बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, सो ये आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो. ये 5.5 ml ऑफ द प्रोडक्ट हमें मिल जाता है अराउंड 1500 रुपीज का. मैंने इसमें शेड परचेज की है मीडियम जो मुझे बहुत अच्छे तरीके से सूट करती है. नेक्स्ट वाला जो प्रोडक्ट है वो एक्चुअली प्रोडक्ट नहीं है, मेरा इमोशन है. आई एम टॉकिंग अबाउट मैक की ये वाली लिपस्टिक. सो दिस लिपस्टिक इज फॉर 1100 रुपीज. मैंने इसमें शेड परचेज किया है मेहर और एक मिनी लिपस्टिक है विच इज वेरी इजी टू कैरी. स्पेशली ये वाला जो शेड है ना वो कॉर्पोरेट के लिए ऑफिस जाने के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है. सो एज यू कैन सी इट लुक्स सो प्रीटी ऑन मीडियम स्किन टोन. ऑल्सो द फॉर्मूला इज वन ऑफ द थिंग जो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा. आपके लिप्स को बिल्कुल ड्राई आउट नहीं होने देता है. साथ में ये एक मैट कलर है विच गिव्स अ वेरी नाइस वाला टिंट टू योर लिप्स. डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो. लास्ट रिकमेंडेशन इज दिस बेनिफिट का बेनेटिन. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. ये एक्चुअली बहुत ही ज्यादा छोटू सा है बट ये मिनी साइज में नहीं परचेस किया है, मैंने फुल साइज में परचेस किया है. सो दिस इज अ 6 ml ऑफ द प्रोडक्ट और ये मुझे कॉस्ट किया था 1900 रुपीज. स्टार्टिंग में मुझे लगा कि ये जो प्रोडक्ट है वो मैंने गलत ले लिया, बिल्कुल भी काम का नहीं है. बट जब मैंने इसको यूज किया ना सो ये बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्ट करता है और बहुत ही ज्यादा नेचुरल फिनिश देता है. सो लुक एट दैट रनी फॉर्मूला जो बहुत ही ज्यादा रनी है बट वंस यू हैव ब्लेंडेड इतना तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है. इफ यू आर फैन ऑफ नेचुरल बेस्ड मेकअप ना सो ये डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हो. सो यस गाइस, दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो. आई होप कि आपको ये वाला वीडियो बहुत ज्यादा फ्रूटफुल रहा होगा. इफ यस सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. ऑल्सो बी नेचुरल, स्टे ब्यूटिफुल एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय.